हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ क्लास सेकेंड. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ आवर फाइनल एग्जाम्स. जो कि हमारे फाइनल एग्जाम्स में जो सिलेबस आएगा वो क्या है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन 50% कर दिया गया है. ठीक है, तो जो आपका बुक का कंटेंट है उसमें से क्या होगा, 50% चैप्टर्स आपके आएंगे, जैसे आपके चैप्टर्स है 13. ठीक है, तो उसमें से 7 चैप्टर्स जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने टिक लगा दिए हैं. तो वही बस आपको क्या करना है, उनको ही पढ़ना है और उनकी वर्कशीट सॉल्व करनी है. ठीक है, तो अब अपनी क्या चलेगी, रिवीजन क्लास पहले भी चल रही थी पर अब वही चैप्टर्स हम स्टडी करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम्स में आ रहे हैं. ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, अपनी बुक खोलिए और उसमें से जो जो मैंने चैप्टर्स टिक लगा रखे हैं उन्हें आप टिक मार्क कर लीजिए. ठीक है, क्योंकि वही वही चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आने हैं. ओके, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट प्लांट्स अराउंड अस, चैप्टर नंबर सेकेंड यूजेस ऑफ प्लांट्स, चैप्टर नंबर 6 बोन्स एंड मसल्स, चैप्टर नंबर 8 हाउसिंग एंड क्लोथिंग, चैप्टर नंबर 9 रॉक्स एंड मिनरल्स, चैप्टर नंबर 10 मटेरियल्स अराउंड अस एंड चैप्टर 13 ओके अवर अर्थ. ये चैप्टर्स जो हैं आपके आएंगे, हम इनमें से वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. ठीक है, 3 डेज आपका स्टडी चलेगा, थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा एंड 3 डेज क्या चलेगा, वर्कशीट वर्क आपको करना है. जो जो चैप्टर्स हम वर्क पढ़ेंगे उनकी वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है. ठीक है, तो वर्कशीट के मार्क्स आपको 50% जुड़ने हैं. ठीक है, तो वर्कशीट आपको क्या करना है, कंपलसरी करनी पड़ेगी. ओके, कंपलसरी आप वर्कशीट करेंगे तब जाके आपके एग्जाम्स में 50% मार्क्स किसके जुड़ने हैं, वर्कशीट के ऐड होंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमने नए कोर्स से, चैप्टर नंबर फर्स्ट प्लांट्स अराउंड अस. ये जो चैप्टर है ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी काफ़ी बार हो चुका है अपना. ठीक है, तो बस आज हम चैप्टर चैप्टर रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट की वर्कशीट सॉल्व करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर अपन क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं चैप्टर का. तो अपना चैप्टर है प्लांट्स अराउंड अस. ठीक है, प्लांट्स अराउंड अस मतलब प्लांट्स क्या है, हमारे चारों तरफ है. आप देखते हैं आपके घर के आसपास, आपके स्कूल्स के आसपास, बैंक में, पार्क में, हर जगह क्या लगे हुए होते हैं आजकल, पेड़ पौधे फ्लावर्स जो है प्लांट से लगे हुए होते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास प्लांट्स नहीं होंगे आसपास तो क्या है, हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. प्लांट्स से क्या क्या मिलता है हमें, प्लांट्स से फूड, ऑक्सीजन और बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे क्लोथ्स मिलते हैं. ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स क्या है, हमारे आसपास है. अब आसपास हम प्लांट्स देखते हैं, कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, अलग अलग टाइप के हम प्लांट्स को हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. ठीक है, तो हम उन्हीं प्लांट्स के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, बिग प्लांट्स. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. लास्ट क्लास में भी हमने यही चैप्टर स्टडी किया था, रिवीजन क्लास जो चल रही थी हमारी, हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर क्या है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये थर्ड या फोर्थ टाइम चल रहा है आई थिंक अपना चैप्टर, तो आपको अब तो पूरी तरीके से क्या हो चुका होगा, ये लर्न हो ही चुका होगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स क्या है, हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स रहते हैं. प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, प्लांट्स क्या है, हमारे चारों तरफ है. दे आर डिफरेंट साइज शेप एंड सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड वीक. जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया, प्लांट्स क्या है, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के होते हैं. ठीक है, और कुछ क्या है, बिग होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, और कुछ स्मॉल और वीक प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज. ट्रीज क्या होती है, ट्रीज एक बिग प्लांट है. ठीक है, जो कैसे रहता है, बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स है. क्या है, ट्री बिग और स्ट्रॉन्ग प्लांट और टॉल प्लांट क्या कहलाता है, ट्री कहलाता है. तो स्टडी करते हैं अब ट्री के बारे में. बिग एंड टॉल प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज. ट्रीज को क्या कहा गया है, बिग और टॉल प्लांट को ट्री कहा गया है. ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम कवर्ड विद बार्क्स. ट्रीज को क्या कहा गया है, वुडी स्टेम होता है. ठीक है,
और किससे कवर्ड रहता है? बार्क यानी छाल से कवर्ड रहता है। द स्टेम ऑफ द ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। तो स्टेम होता है ट्री का, उसे क्या कहते हैं हम? ट्रंक कहते हैं। मैनी ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द ट्रंक। बहुत सारी ब्रांचेस कहाँ से ग्रो करती है? ट्रंक से ग्रो करती है। ट्रीज हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। ट्रीज का क्या होता है? लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है यानी बहुत सालों तक जीवित रहती है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। बहुत सालों तक क्या रहती हैं? जिंदा रहती हैं। नीम बनियान एंड मैंगो आर सम कॉमन ट्रीज। जैसे नीम बनियान और मैंगो, ये पीपल, ये सब कैसी कॉमन ट्रीज होती हैं। एग्जाम्पल्स है किनके? ट्रीज के। नेक्स्ट टॉपिक है अपना शर्ब्स। अब शर्ब्स क्या है? जो ट्रीज है उनसे छोटे होते हैं, ग्राउंड से बहुत करीब रहते हैं, और इनका स्टेम कैसा रहता है? वुडी स्टेम रहता है। ठीक है। प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स विद स्ट्रॉन्ग स्टेम आर कॉल्ड शर्ब्स। स्मॉल प्लांट है, प्लांट कैसा है? छोटा, पर इसका स्टेम कैसा रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। ट्री से छोटा रहता है। देयर स्टेम इज वुडी बट थिन। इसका स्टेम कैसा रहता है? वुडी बट थिन यानी पतला। दे हैव मैनी ब्रांचेस। इसकी ब्रांचेस बहुत सारी रहती हैं। दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। इसकी ब्रांचेस क्या करती हैं? ग्राउंड से क्लोज रहती है यानी ग्राउंड के करीब रहती हैं। देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्टर देन ट्रीज। इसका जो लाइफ स्पैन है यानी जीवन काल है, वो क्या रहता है? ट्रीज से कम रहता है। ये कुछ सालों तक ही जिंदा रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं रोज, जैस्मिन एंड कॉटन आर सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमन शर्ब्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हर्ब्स। ठीक है। हर्ब्स क्या होती हैं? हर्ब आर स्मॉलर देन शर्ब्स। हर्ब्स क्या है? स्मॉल होती है किससे? शर्ब्स के अकॉर्डिंग। दे हैव सॉफ्ट टेंडर एंड ग्रीन स्टेम। इनका स्टेम कैसा होता है? सॉफ्ट टेंडर और ग्रीन कलर का होता है। दे हैव स्मॉल रूट्स। इनकी रूट्स कैसी रहती हैं? स्मॉल यानी छोटी छोटी इनकी जड़ें रहती है। दे लिव ओनली फॉर वन सीजन। ये कब तक रहते हैं? एक सीजन तक ही ये जीवित रहते हैं। जैसे सीजन क्या होते हैं? विंटर सीजन, मानसून सीजन, ठीक है, समर सीजन, ये सब सीजन्स हैं। तो सीजनेबल जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हर्ब्स कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं ब्रिंजल, स्पेनिज, कोरिएंडर एंड ग्रास आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। कौन कौन से एग्जाम्पल है? ब्रिंजल, कोरिएंडर, स्पेनिज और ग्रास। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लाइंबर्स, क्रीपर्स। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक आप एक बार रिवाइज कीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक है। थैंक यू।